तो यार दोस्तों इस टाइम मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसे नवाबों के शहर से भी जाना जाता है। दोस्तों पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है इको गार्डन। इको गार्डन तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है मानवर श्री काशीराम जी ग्रीन इको गार्डन प्रवेश द्वार। और साथ में ही आपको दिखा दूँ यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये नज़ारा बहुत ही अच्छा है, यहाँ का नज़ारा देखिए आप। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं फैमिली के साथ, कुछ दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग अकेले हैं, कुछ कपल में हैं, कुछ फैमिली में हैं। मतलब यहाँ पर सब तरह के लोग इस टाइम मौजूद हैं। पीछे ये देख सकते हैं फाउंटेन एरिया है, यहाँ पर शायद पानी निकलता हुआ, लाइटिंग भी होती होगी। बहुत अच्छा फाउंटेन है ये, शायद इस टाइम तो ये चालू नहीं है, पानी भी नहीं है और साउंड भी शायद यहाँ पर होता होगा, तो नज़ारा बहुत ही अच्छा होता होगा। और थोड़ा सा पीछे घूमता हूँ दोस्तों, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं इस पर, ये बिल्डिंग क्या है यार? मैंने रामायण में देखा था कि लंका के द्वार जैसे खुलते हैं, इस तरह की ये बिल्डिंग मुझे दिखी। दोस्तों ये कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है, ये इको गार्डन की पार्किंग है। पार्किंग जब इतनी बड़ी गेटों से बनी है तो आप समझ सकते हैं कि इको गार्डन कितनी एकड़ ज़मीन में बना होगा। मेरे हिसाब से मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो वहाँ पर 85 एकड़ ज़मीन में इसे बताया गया कि 85 एकड़ ज़मीन में इको गार्डन बना हुआ है। दोस्तों दोस्तों इको गार्डन चारबाग रेलवे स्टेशन से या मेट्रो स्टेशन से लगभग 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर, टेम्पू वाले या रिक्शा वाले आपसे 10 या 15 रुपये लेंगे और आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे। और शाम का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह का है, यहाँ पर लोग बाग कुछ लोकल के अकेले में कपल फैमिली सारी यहाँ पर घूमने आई हुई हैं। और दोस्तों मैं आपको साथ बताता चलूँ कि यहाँ पर देखिए, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो यहाँ पर बताए गए कि मायावती के 62 हाथी यहाँ पर सूंड उठाए हुए खड़े हैं, स्टैचू उनका बना हुआ है। कुछ लोग हैं वो पीछे देखिए, कुछ दोस्त लोग हैं मुझे देख रहे हैं भैया, इनसे मिलूंगा बाद में मैं। और भैया ये दूसरी आप इधर बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है आपकी पार्किंग, पार्किंग का गेट आपको मैंने दिखाई दिया। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको इसमें अंदर घूमना है तो आपको 15 या 20 रुपये से लेकर इसका टिकट देना होगा, तो आराम से आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं कि इको गार्डन के अंदर क्या चीज़ है। दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ये है इसका पार्किंग, सॉरी पार्किंग के अलावा मैं आपको दिखाऊँगा आपके लिए शाम का नज़ारा है कुछ इस तरह का है। ये रोड है, लाइटिंग अब वगैरह आप देख सकते हैं। लखनऊ में देखिए इस तरह के लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा अभी। ये है इसका प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार मतलब इसमें अगर घूमने आप जाएंगे तो इस टाइम तो ये लाइटिंग इसकी सॉरी गेट इसके बंद इसलिए हो गए क्योंकि 5 बजे के बाद शायद ये बंद हो जाते हैं, शायद इसमें लाइटिंग भी शुरू हो गई है नाइट। क्या बात है, नज़ारा बहुत ही अच्छा लगने लगा है, शाम जितनी होती जा रही है खूबसूरत लग रहा है ये। अगर आप इसके अंदर घूमना चाहते हैं फैमिली कपल या इन्जॉय करने के लिए अकेले में तो घूम सकते हैं। 85 एकड़ यार कम नहीं होती है, इसमें ग्रीन प्लांट भी लगे हुए हैं और कुछ हिरन वगैरह भी बताए गए हैं, और अशोक से 1.5 गुना स्तंभ भी इसमें बताया गया है। काशीराम की मूर्ति और मायावती की मूर्ति इसमें लगी हुई है। दोस्तों यहाँ पर मैंने इंटरनेट पर सर्च मारा तो बताया गया कि मायावती की मूर्ति इस तरह से बनाई गई है किसी कलाकार के द्वारा कि कलाकार को सराहना देनी पड़ेगी, बिल्कुल ज़िंदा इंसान लगता है। इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ के लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों मिलाते हैं आपको लखनऊ के कुछ नौजवानों से जो पीछे खड़े हैं, इनसे बात हुई थी और इनसे पूछेंगे भैया ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग इको गार्डन, मेरे मुझे बताया था तो ये इको गार्डन ही, तो इको गार्डन क्यों प्रसिद्ध है इतना, मैं यहाँ तक आ गया, क्या है ये? मायावती ने क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम करण। करण जी, तो इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि लोग यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ इतनी भीड़ है, आप ही जाए, इसका टिकट भी लगता है? हाँ, टिकट भी लगता है। कितने रुपए का? 15 रुपए का टिकट है, तो एक आदमी का टिकट है। तो इसमें क्या ऐसी चीज है इस पार्क के अंदर? इस टाइम तो ये शायद बंद हो गया, 5 बजे के बाद बंद हो जाता है? नहीं, 7 बजे अभी घूम सकते हैं इसके अंदर, अंदर घूम सकते हैं, अच्छे अच्छे जगह है घूमने के लिए। मैंने सुना है यहाँ पे मायावती और काशीराम की अंदर मूर्तियाँ हैं और उन्होंने ही बनवाया ऐसे। और यहाँ पर हाथी की संख्या भी बताई गई, 62 हाथी है इसके अंदर है, सूंड उठाए हुए। अच्छा इधर है ये क्या? चार गेट है ना इसके? अच्छा चार गेट हैं, मतलब कितने टोटल एरिया में कितने में बना हुआ है ये?
एरिया तो ये ऐसे नहीं मतलब ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे मुझे कि ये 85 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है लगभग ऐसा ही है। और ये सामने आप ये बिल्डिंग जो बता रहे हैं ये वाली बिल्डिंग है, इसकी पार्किंग है क्या है? ये पार्किंग है और ये मेन गेट है जी, ये मेन गेट है। कौन है? अच्छा भैया जी एक इनको दिखाएंगे, भाई साहब हैं हमारे साथ में बिल्कुल नौजवान भैया जी हैं। भैया इधर देखिए लखनऊ वाले भैया, नाम क्या भैया जी आपका? राजन। क्या करते हो? कुछ नहीं, पढ़ते हैं। यहाँ पे बनने आ गए भैया? अभी पहले आए हैं, काम काम लो हट्टी ले रहे हैं आप? हाँ नहीं ऐसे घूमने खेलने के लिए कुछ घर में बैठे पहले दोस्तों घर में बैठे बैठे घूमने ईको गार्डन के अंदर रोज ऐसे ही नजारा रहते हैं या आज ही है स्पेशल? नहीं रोज रहते हैं। क्या बात है, ये लोग बता रहे हैं और लखनऊ ये मेन गेट है, उसका आगे गेट है, एक इधर गेट है, चार गेट होते हैं। फ्रेंडली लोग लगे दोस्तों, कैसा लगा? बिल्कुल कैसा लगा आपको दोस्तों? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। गुड बाय।